इंजीनियरिंग इस बार जो है आपका स्क्वायर मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट होता है जो जनरली सेकंड ईयर में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब जो है आपका थर्ड ईयर में इस बार से फिफ्थ सेमेस्टर में इसको क्या किया है, लाया है, ठीक है। और इस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस इतना जान लीजिए कि आपको सेमेस्टर में तो मिलेगा ही मिलेगा, अभी तो अगर आपको वास्तव में सवाल पढ़े होंगे अच्छे से तो जो बच्चा पढ़ के निकला होगा उनसे आप एक बार ट्राई लीजिएगा सवाल मैकेनिक्स से। कंपटीशन में भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कंपटीशन में भी क्या होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं आपका, ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको बेसिकली हम लोग वही स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन का तो ना एज पर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, लेकिन यहाँ से बहुत कुछ टर्म आपको जहाँ पे हमने स्पेशली नोट्स तक से बताए नोट कर लीजिएगा, उसको हाईलाइटेड कर लीजिएगा, इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं यूज आपके कंपटीशन में हो रहा है, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले इस सब्जेक्ट का आपको बता दें, इस सब्जेक्ट का वेटेज बता दें आपको कि जो आपका होगा थ्योरी, ठीक है, थ्योरी आपका 50 नंबर का होगा, ठीक है, और इसका एक्सपेरिमेंट भी यानी कि लाइव भी है, ठीक है। इस सब्जेक्ट का जो सवाल में कहीं इस नंबर पढ़ रहे हैं उसका क्या है, आपका 50 नंबर का जो है आपका थ्योरी भी है और 20 नंबर का आपका जनरली लाइव भी है, इसको याद रखिएगा। आपका इसका फील्ड नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसका जो भी थ्योरी पोर्शन है वो भी कहीं ना कहीं यूज होता है आपके कवर करने वाला है आपके काउंसिल के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके एक्स्ट्रा सिलेबस के रिगार्डिंग। तो एक्चुअली हम चूँकि ग्रेड बोर्ड के सिलेबस के रिगार्डिंग पढ़ेंगे, हम उसके पॉइंट चले जाएंगे, लेकिन जहाँ इंपॉर्टेंट बनेगा कि पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको सिस्टम क्या करेंगे, जनरली ये क्या करेंगे कि आप इस चीज़ को क्या करो अंडरलाइन कर लो, ठीक है। सबसे पहले हम जो सवाल का नाम है लिखते हैं सब्जेक्ट नाम, सॉरी जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट है उसका नाम मैं एक बार आज लिख रहा हूँ, उसके बाद से आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे लेक्चर जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कंटिन्यू मिलेगा। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं सवाल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का, ठीक है। सवाल बहुत लोगों के साथ होता है, ठीक है, समझ
ब्रीथिंग कैपेसिटी उसका लो होगा, उसको क्या होगा, यानी कि जो लोड आ रहा है रेजिस्ट करने की क्षमता कम होगी, तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर क्या होगा कोलैप्स करने के भी चांस रहेंगे, फेल होने के चांस रहेंगे ना। तो हम ये देखते हैं कि कभी जब हम साइट पे आईसीएल इंजीनियर जब भी हम किसी साइट पे अपना स्ट्रक्चर कोई बनाते हैं, जनरली हम ये देखते हैं कि जो वहां की सॉइल प्रॉपर्टीज है वो आपके किसी स्ट्रक्चर के स्टेबल है या नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे टेस्ट भी हैं इसके जब हम लैब में करेंगे तो वहां पढ़ेंगे, लेकिन यहां हम जनरली क्या करेंगे थ्योरी कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है, सब्जेक्ट नाम यहां सर कर लेते हैं, सब्जेक्ट ही आ जाते हैं। सब्जेक्ट का नाम आपको यही पता चल गया कि सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, फाउंडेशन इंजीनियरिंग तो सबसे पहले टर्म इसमें आता है, सबसे पहले टर्म आता है इसमें सॉइल। ठीक है, सबसे पहले टर्म आता है इसमें सॉइल। तो आपको पता होगा, आपको मैंने बताया भी था कि जो सॉइल क्या होता है कि आपके अर्थ का अपर लेयर होता है। ठीक है, क्या होता है अपर लेयर ऑफ, अपर लेयर ऑफ अर्थ होता है। ठीक है, अपर लेयर ऑफ अर्थ होता है जो कि क्या होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है। ठीक है, मुलायम होता है। वो कहां से आया ऐसे फॉर्मेशन, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं इस सॉइल आपके अर्थ के ऊपर है। ठीक है, जो आपके अर्थ के ऊपर है उस सॉइल को क्या करते हैं, अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कुछ हम पेड़ पौधे भी उगाते हैं, फसल भी उगाते हैं और स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। ठीक है, जितने भी आपके प्लांट्स वगैरह होते हैं उन पे जनरली हम क्या करते हैं ग्रो कराते हैं। ठीक है, उसका ग्रो हम कराते हैं। तो ये कह सकते हैं जो सॉइल है आपका इम्पोर्टेंट पैरामीटर बन जाता है किसी भी स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, क्लियर, के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको समझिएगा। और आपको बता दें कि सर्वप्रथम जो इसके बारे में बहुत डिटेल स्टडी इन्होंने किया, ठीक है, जिनका नाम है डॉक्टर कार्ल वॉन तर्जागी। ठीक है, क्या नाम है डॉक्टर, जो उनको बोला जाता है फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, क्या बोला जाता है फादर ऑफ, फादर ऑफ सॉइल बहुत सारे हैं और भी एग्जाम्पल, लेकिन हमने प्रिंसिपल पर एक एज स्ट्रक्चर लेकर जिम
bearing capacity of soil. Bearing capacity of soil. Basically इसमें क्या होता है कि bearing capacity का मतलब ये होता है कि कोई भी structure बिना fail किए हुए, ठीक है, बिना fail किए हुए जो structure का weight है वो क्या करे, वहन कर ले जाए, उसको सह सके, ठीक है, यानी कि कहीं fail नहीं होगा, उसको bear कर ले जाएगा, उसी को बोलते हैं हम bearing capacity of soil. बात हो रही है soil की, तो कहीं ना कहीं term होती है soil की bearing capacity की बात हो रही है, ठीक है. अब बात है कि आप देखते होंगे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आपकी स्ट्रक्चर ऐसी जगह बन जाते हैं जहाँ पर बेरिंग कैपेसिटी सॉइल की अच्छी नहीं होती है, उस केस में आपके जो स्ट्रक्चर होते हैं थोड़ा सा फेल होने के चांस आपके ज़्यादा दिखाई देते हैं, ठीक है. उस कंडीशन में कह सकते हैं जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो आपका जनरली क्या होगा, फेल होने के करार होगा. ये हम लोग अभी पहला यूनिट पढ़ रहे हैं एज ए इंट्रोडक्शन, जो आपका पहला यूनिट है एज अ इंट्रो डक्शन है, ठीक है, एज अ इंट्रोडक्शन. कि आपका जो सब्जेक्ट मटेरियल नाम है इन्हीं टर्मों को बहुत धीरे से समझना है. और एक सबसे इम्पोर्टेंट टर्म होता है जब हम सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जब सॉइल का फॉर्मेशन होता है तो डिफरेंट डिफरेंट के सॉइल बनते हैं, उन सॉइल के बारे में भी जानना है. बाकी इससे ज़्यादा कुछ आपको इस पहले यूनिट से नहीं जानना, ठीक है. तो बेसिकली आपका जो सॉइल पता चल गया क्या होता है. अब एक टर्म आता है यहाँ पे फाउंडेशन, एक टर्म आता है फाउंडेशन क्या होता है, ठीक है. तो आपको पता ही होगा कि जो भी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ठीक है, फाउंडेशन क्या होता है, किसी भी स्ट्रक्चर का क्या होता है, एक नींव होता है. यानी कि कह सकते हो कि किसी भी स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, कह सकते हो एक मेंबर होता है, सॉरी एक मेंबर होता है किसी भी स्ट्रक्चर का, उसको जो हम लोग बोल देते हैं फाउंडेशन, ठीक है. उसमें क्या होता है, आपको पता ही होता है उसमें भी तरह तरह के स्ट्रक्चर टाइप होते हैं. जैसे अगर एक बात की जाए किसी स्ट्रक्चर को लेकर के, वहाँ पर बात करें सुपर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर, ठीक है, तो जो सुपर स्ट्रक्चर होता है आपका जनरली क्या होता है, देखा जाए तो ग्राउंड रूट जो हम लोग जनरली देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, उसको लोग बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर. असल स्ट्रक्चर जनरली जो हम लोग नहीं देख पाते हैं, तो एज ए फाउंडेशन जो आपका होता है जनरली कहा जाए तो आपका सुपर स्ट्रक्चर के सब स्ट्रक्चर के अंदर तक आ सकता है, ठीक है. अब बात आती है कि आपका जो सॉइल है, ठीक है, जो आपका सॉइल है, जो आपका आपको पता चल गया होगा आपको कि जो आपका फाउंडेशन होता है
इसलिए कहा था कि आप अगर किसी स्ट्रक्चर का फाउंडेशन अगर बढ़िया रहा तो आपका स्ट्रक्चर क्या है कि आपका स्टेबिलिटी आएगी, अदरवाइज अगर आपके फाउंडेशन ही वीक होंगे तो कोई भी स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल नहीं हो सकता, वो कहीं ना कहीं कोई कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पर वो फेल कर जाएगा। ठीक है, क्लियर, इसको रब करें, रब करें, बताइए रब करें। जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है, तो आपका
करता है याद रखिए दो चीज जो आपका निर्णय होगा ठीक है वो आपका फिजिकल एजेंट के भी फॉर्म हो सकता है एक उसके रूप में हो सकता है एजेंट रूप में और केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी क्या हो सकता है निर्णय हो सकता है अब देखो समझने वाले जो आपका फिजिकल निर्णय होगा ठीक है जो आपका जड़ होता है जब उनमें एक्सपेंशन होता है तो कहीं भी क्या होता है इसमें आपका
वह संकुचन होता है, ठीक है, वह संकुचन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर टेंशन की बात हो रही है, इसके बारे में लिख रहे हैं, तो अब इसके बाद कहीं ना कहीं जो आपका राफ होगा, ठीक है गाइस, उसमें क्या होगा, एक्सपेंशन भी हो सकता है और श्रिंकेज भी हो सकता है, ठीक है, फैलाव भी हो सकता है और संकुचन भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है क्या होगा, तो अभी सी बात है, चट्टानों में क्या होगा, चट्टानों में क्या होगा, चट्टानों में दरारें, ठीक है, यहाँ क्या होगी, क्रिएट हो जाएंगे, दरारें पड़ जाएंगी, ठीक है, पड़ जाती है, इसकी वजह से जो आपका टेम्परेचर वेरिएशन है उसकी वजह से चट्टानों में क्या होगा, चट्टानों में जो दरारें होंगी वो पड़ जाएंगी, इसकी वजह से टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, ठीक है, याद रखिएगा, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से। जब अब इसकी बात है, जब दरारें पड़ेंगी, ठीक है, जब दरारें पड़ेंगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका उस जगह पे जो आपका चट्टान होगा वो कमजोर पड़ने लगेगा और धीरे धीरे क्या होने लगेगा, डिसइंटीग्रेट वहाँ भी होने लगेगा, ठीक है। तो उस समय आपका काम करने में वो भी आपका तापक्रम में बदलाव के कारण भी ऐसा होता है, कर सकते हैं कि जो आपका चट्टान है, ठीक है,
होने लगेगा। जब अक्षय अवतार में इसका अर्थ क्या होगा, जो आपका राग होगा वो डायरी में नहीं क्या होगा वर्ग फॉर्म में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, टाटा ने आपका बहुत अक्षय होने लगेगा। इसकी वजह से जो आपका आकर्षण एक्शन होता है, यानी कि अग्रेसिव एक्शन होता है उस पर। अब अग्रेसिव कैसे होता है, जब दो पार्टिकल आपस में टकराएंगे तभी तो होगा आपस में। ठीक है, तो लेकिन ये क्या होगा, घर्षण होने लगेगा। घर्षण तो उसके थ्रू जो होता है चट्टान में क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है उनमें टूटना टूटना चालू हो जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया थर्ड पैरामीटर। इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं, तो आपका थर्ड पैरामीटर था घर्षण के लिए आपका क्या है, फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, फिजिकल वेदरिंग है। अब सभी पता है भूकंप का भूस्खलन है। ठीक है, भूकंप या भूस्खलन हुआ, ठीक है, या उस फलन हुआ। इसके भी तो क्या होता है, आपको पता है भूकंप वगैरह आते हैं, जो मारता वगैरह क्या होता है जनरली, जिससे वहाँ भी आपका देखने को मिलता है। ठीक है, वहाँ भी आपको देखने को मिलता है। इसके तो भी क्या कर सकते हैं कि आपका स्वास्थ्य परमिशन हो सकता है बाई फिजिकल वेदरिंग। इतना सा आपको टाइम समझना था, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, आपका हो गया फिजिकल वेदरिंग। जो जनरली हम लोग वाटर एयर क्या होता है, रूप में लॉग उपस्थित होता है, लॉग उपस्थित रहता है, उपस्थित बस नाम जान लीजिएगा केमिकल में रहता है, उपस्थित रहता है। ठीक है, ऑक्सीजन से क्रिया करके तथा ये ऑक्सीजन से क्रिया करके यानी कि O2 से क्रिया करके, ठीक है, क्रिया करके
ये होता है आपका 2FE2O3। इस रिएक्शन में लिखना चाहोगे जनरल, ठीक है, तो आपका जनरल क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? यही आपका कहलाता है ऑक्सीकरण। जब आपका लॉ यानी कि Fe के रन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है कहीं ना कहीं आपका लॉ स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, क्लियर। केमिकल के द्वारा ये हो रहा है ना, जो केमिकल वैज्ञानिक उसके अंतर्गत जो आपका रिएक्शन हो रहा है वो ऑक्सीकरण हो रहा है। सेकंड आपका चला गया था थोड़ा होता है कार्बोनेशन। तो आपको जो ऑक्सीकरण का के बारे में जानना कि जो आपका चट्टान है उसमें कहीं ना कहीं के रूप में आपका क्या है, या फिर प्रोटीन है, और ये क्या करता है ऑक्सीजन से क्रिया करता है, क्या बनाता है लॉग काइन बनाता है। तो इस बात याद रखिएगा, ज्यादा केमिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। फिर सेकंड आता है आपका, आप एक साइकिल को बना सकते हैं, पहले बेहतरीन होगा, बेहतरीन
क्या होता है और वही क्या होता है, ये पता वही नहीं, उस चट्टान के लिए जम जाता है। एक उसको जनरली
बहुत दूर जाकर क्या बात, किसी बात है जब विकृत होगा तो
ठीक है, ये क्लियर आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल किसके थ्रू हो रहा है, बाय ग्रेविटी फ्लो हो रहा है कौन सा सॉइल, बाय वाटर फ्लो हो रहा है कौन सा सॉइल, ये सारे सवाल हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसको हम करते हैं, इसको कर लेते हैं। आप ये सवाल में क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आज इसका मान लीजिए यहां पे वो क्या हो, जंग जंग का क्या हो, ये वो यूनिट इकट्ठा होता है, ठीक है। क्वेश्चन मतलब क्या होता है, ऐसी बात है जब आपका कोई सवाल है, मान लीजिए आपका सवाल सिंपल यहां से आप अपने सिंपल पर रखो और कहीं इसको टेबल करता है, टेबल करता है, टेबल करता है, बाय ग्रेविटी विंड के द्वारा भी हो सकता है और वाटर के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। वाटर के थ्रू भी जा सकता है, एयर थ्रू भी जा सकता है, ठीक है। आगे अंदर चलते हैं तो क्या होता है, कोई कह सकते हैं शुरू हो जाती है। लेकिन एक मेन फैक्टर यहाँ पे याद रखिएगा,
रहता है, इसे हम गुलरी का क्या कहते हैं, इसे हम बोल देते हैं जलोढ़ मिट्टी। क्या बोल देते हैं? इसे हम जलोढ़ बोल देते हैं, जलोढ़ मिट्टी। पहला आता फाइल कौन सा? एलुवियल फाइल। क्या था वाला? एलुवियल फाइल। सेकंड होता है आपका, सेकंड फाइल है आपका, पहला किसी
when the spirit of soil by oceans are seen. ठीक है, oceans are seen. ठीक है, oceans. ठीक है, oceans are seen. Oceans are seen. ठीक है, समुद्र के द्वारा जब धीरे-धीरे आपका पेंस वाला का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसे सवाल बनते हैं. Oceans and sea. यानी कि मल नाम ये क्या? मैरिन सॉइल. हिंदी में नाम ये स्पष्ट है, समुद्री मृदा. ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट करें. ठीक है, बस यहाँ तक आप पढ़ लीजिए. आगे हम कंटिन्यू क्या करेंगे, फिर आगे फर्दर बढ़ते जाएंगे. ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, फर्दर बढ़ते जाएंगे. तो इसके आगे जो भी जिसने भी टैक्स के सवाल आपके बचे हुए हैं, आपके नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा जाएगा. हमने आज से बताया आपको पहला स्टार्टिंग से कि सवाल के फादर्स कौन है. ठीक है, फादर ऑफ सवाल बनने के नाम है, आपको याद होना चाहिए. आपका जो आपका फाउंडेशन है वो बेसिकली किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, उसके बारे में आपको बिल्कुल याद होना चाहिए. और आपका जो सवाल है इसमें चक्कर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको डिफरेंट फाउंडेशन. मतलब लेक्स्टाइन और समुद्री मृदा मैरिन सॉइल, यानी कि तीन सवाल पड़े हैं.